हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्लेवर फीस्ट पर। आज मैं गेहूं आटे से मसाला पापड़ी बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने 2 कप गेहूं आटा लिए हैं, 1 कप ये है और ये दूसरा कप। मसाला पापड़ी को थोड़ा खस्ता बनाने के लिए उसमें रवा और सूजी भी बोलते हैं इसे, उसे डाल रही हूँ। इधर सारे मसाले ले ली हूँ मैं। इसमें है मिर्ची, नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर, गरम मसाला, हल्दी है। सभी मसालों को मैं एक साथ डाल रही हूँ, है ना। इधर मोहन के लिए तेल है, 2 चम्मच तेल डालना है। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैदा से भी आप बना सकते हो। मैं हेल्दी एवं पौष्टिक बना रही हूँ इसलिए आटे का है ये आटा। ऐसे मुट्ठी बन जाना चाहिए, मतलब मोहन ठीक है। इसका अच्छे से डो बना लेना है। ये डो बनकर तैयार हो गया है। अब इसे 15 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। कस्तूरी मेथी को थोड़ा तवे में भून लेना है। रोस्ट करने से क्या है, इसका पाउडर अच्छे से बन जाएगा। कस्तूरी मेथी डालने से उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसे बराबर हो जाएगा। कस्तूरी मेथी को इस प्रकार बारीक कर लेना है, इसको फिर डालना है। वैसे इसको मसाले के साथ पहले डालते हैं। आजकल मार्केट में गीला वाला आ रहा है, उसे भी आप डाल सकते हो, ताज़ा वाला। छोटा छोटा बारीक काट के उसको भी कढ़ाई में थोड़ा रोस्ट कर लेना है। क्या है, टेस्ट अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा। अच्छे से गूंथ लेना आटा को। इधर एक कढ़ाई पर तेल को रख दी हूँ मैं गर्म होने के लिए। इधर आटा की लोई बनाकर रख ली हूँ। इस प्रकार इसे रोटी के आकार का बेल लेना है। ये कांटे वाली चम्मच की सहायता से इसमें पूरा डाट डाट डाल देना है पूरे में। ताकि बनाने के टाइम पूरी फूले मत। आप इसे जो भी शेप में बनाना चाहें बना सकते हैं। पहले आपको गोल बनाकर दिखाती हूँ। कोई भी कटोरी या गिलास की सहायता से ऐसे गोल गोल काट लेना है। इस प्रकार इसे निकाल लेना है, ये भी काम आ जाएगा। एक तरीका ये वाला है, एक दूसरा भी काट के आपको दिखाती हूँ। आप कोई भी शेप दे सकते हैं इसे। अब स्क्वायर में काटूंगी इसको। तेल गरम हुआ है नहीं पहले चेक कर लेते हैं। तेल गरम हो चुका है। इसे धीमी आंच में ही सेकना है। ज़्यादा गरम में करने से लाल हो जाएगा ये। गैस का फ्लेम एकदम कम होना चाहिए। जितना आ जाए उतना ही डालना है इसमें। इस प्रकार पलटा कर ब्राउन होते तक सेक लेना।
गेहूँ आटे की नमकीन पापड़ी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे चाय के साथ ले सकते हैं। इसे आप एक महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। आपको अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक जितने लोगों ने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।